स्वागत है हमारी नई पेशकश में। इस पेशकश में एक खास बात है जो मैं आपको शुरुआत में ही बताने वाला हूँ। पहले तो आप सब्सक्राइब करिए भैया। वेट कर रहे हैं कि एक वो मिलियन टच करा दो यार प्लीज। थोड़ा मोटिवेशन होता है तो मिलियन के पास पहुंचाने में आप अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। लेकिन इस पेशकश में मैं आपको सब्सक्राइब के अलावा कुछ और करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि ये पेशकश आप तक लाने में हमारी मदद की है भाई कैम्बली नाम के कंपनी के बढ़िया बढ़िया लोगों ने। अब कैम्बली क्या है ये तो बताना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद की तो हम उनकी मदद करेंगे। तो कैम्बली भाई एक ऐप है जो आपको स्पोकन इंग्लिश यानी फर्राटेदार इंग्लिश बोलने के सक्षम बनाना चाहते हैं। तो अगर आप नमक हलाल के अर्जुन सिंह और लगान के कैप्टन रसल जितना बढ़िया बाइलिंगुअल हो जाना चाहते हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो भाई अभी हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है कैम्बली ऐप का, उसमें कोड डालिए संदेश 29, उस लिंक के द्वारा ऐप को डाउनलोड कीजिए और उनकी ट्रायल क्लास एक डिस्काउंटेड रेट पे चेकआउट कीजिए। इनकी तीन खासियतें हैं भाई जो प्रोड्यूसर कार्तिक ने मुझे बोला है बोलनी पड़ेंगी। पहली है कि ये 1-on-1 इंडिया की पहली ऐप है, इंडिया की ओनली ऐप है जो आपको 1-on-1 क्लासेस दिलवाती है ऐसे ट्यूटर से जो अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं। दूसरी ये कि सिर्फ जनरली स्पोकन इंग्लिश नहीं सिखाई जा रही है आपको, आपको स्पेसिफिक कोर्सेज सिलेक्शन आप कर सकते हैं, जैसे कि IELTS नाम का एक कोर्स है, बिजनेस इंग्लिश नाम का एक कोर्स है, वगैरह वगैरह। ऐसे आप देखेंगे ऐप में तो आपको भी समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा करना है। तीसरी बात जो कि यार हमें लगा कि ऑब्वियस होनी चाहिए, लेकिन हमें यह पता चल रहा है कि स्पोकन इंग्लिश वाली इंडस्ट्री में इतनी ऑब्वियस बात नहीं है। जो डिसेंसी हर ट्यूटर में होनी चाहिए, वो डिसेंसी आपको जज ना करने वाली डिसेंसी, आपकी जो बेसिक लेवल की अंग्रेजी जो होगी बोलने वाली उस पे ना हंसने वाली डिसेंसी, कैम्बली वाले अश्योर करते हैं कि इनके ट्यूटर्स फ्रेंडली भी हैं, नॉन जजमेंटल भी हैं, नॉन हॉस्टाइल भी हैं। तो भैया ये है कैम्बली की खासियत। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसकी ज़रूरत है, अगर आप इसका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है भाई उस पर जाइए और डाउनलोड करिए। ये थी भाई पैसे कमाने वाली बात। अब हमारी क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन और आपकी इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट के लिए आ रहा है हमारी नई पेशकश। बढ़िया से देखिए अनफिल्टर्ड बाय संदेश FT. विनीत कुमार सिंह। वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहां। अच्छा आ गए यार, चलो कैसे हैं विनीत भाई? संदेश। हाय संदेश, क्या हाल? बढ़िया बढ़िया, क्या हैंडसम लग रहे हो यार। शुक्रिया। चले अंदर? बिल्कुल चलिए चलिए, आप चलिए। ये अपना वाह वाह। हेलो 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 हेलो, आपने देखा कभी ये हमारा चैनल? बिल्कुल देखा। कौन सा? मैंने पंकज भाई का देखा। अच्छा, मुझे लगा ही था आपने पंकज भाई वाला देखा। दो टी-शर्ट जो लेके आए थे। हाँ, हाँ, आपको ठीक लगा कि? बहुत ज्यादा कर दिया ना मैंने थोड़ा। नहीं, करेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बैठ सकते हैं आप, जैसा डिसाइड हुआ है। यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे ज्यादा वेट होता है ना, तो इस कुर्सी में कील है जो चुभता है। ओके। और प्रोडक्शन वालों को कोई और चेयर मिली नहीं था। कोई, हाँ ठीक है, एक एक कील पकड़ में आ गया। ना, 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 उस साइड ही है, कोई दिक्कत नहीं। उस साइड है, कोई दिक्कत नहीं। कंफर्टेबल? हाँ। ये चेन आपकी खुद की है या किसी ने? नहीं, ये तो स्टाइलिस्ट जो है। तो स्टाइलिस्ट आपके स्टाफ में है? नहीं, Z5। Z5 में? हाँ, बिकॉज मैं सुबह आया पटना से। अच्छा। गाड़ी में ही बैग है, तैयार व्यार हुआ। हाँ। उसके बाद इंटरव्यू शुरू थे। अच्छा। तो वो करके आज कितने इंटरव्यू हो गए? 4-5 तो हो गए। तो सब में सेम ही टाइप के सवाल होते हैं क्योंकि प्रमोशन कर रहे हैं इसलिए? हाँ, या फिर कुछ वेरिएशन? आज कुछ अलग अलग थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये ना संदेश सामने कौन पूछ रहा है। थैंक यू, आपने मेरा नाम सही प्रोनाउंस किया इसलिए थैंक यू सो मच, क्योंकि कोई भी नहीं कर पाता है। मतलब बनारस से मैं आता हूँ, ठीक है, और उसके बाद अगर संदेश ये नाम ना बोल पाऊं। हाँ। बनारस अपने आप में, मतलब मैं तो बोलता हूँ कलाकार के लिए दुनिया लाइब्रेरी है। अच्छा। ज्यादातर ये होता है कि भाई आप लाइब्रेरी में गए और रैक में रखी किताबों को ऐसा देखते हुए निकल गए। हाँ। कलाकार क्या करता है कि उसमें से एक किताब खींचता है, ठीक, उसके पन्ने पलटता है, ठीक, सिर्फ पढ़ता नहीं है, उसको सोचता है,
सिर्फ सोचता नहीं है, फिर उसको जीता है। बहुत मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू की क्या फील सेट हुई है? तो बहुत सारी चीजों को आप महसूस करने लगता है, मतलब आपकी सेंसेस हाइटन हो जाती है या फिर अंडरस्टैंडिंग डीप हो जाती है। सेंसेस आपकी पहले से ही सामान्य से ज्यादा होती है। ठीक है, कलाकार अपने ऊपर काम करके इतना निखर सकता है कि आप उसके 10 साल पहले के काम को और आज के काम को देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये वही है। आपका कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि? मुझे शुरुआत में बहुत सारे ऐसे काम थे, मैं खुद ही देख के ऐसा अपना मुंह छुपाता था। अच्छा। हाँ, मुझे खुद पता चलता था कि ऐसे नहीं हो सकता। कुछ एग्जाम्पल? कुछ मैंने एक फिल्म की थी पिता, महेश मांजरेकर ने। हाँ, हम लोग शूट कर रहे थे वाई में, पंचगनी वाई, तो संजय दत्त साहब बैठे थे। मेरे को ये वाइड ग्लोव कुछ नहीं पता था। तो वाइड हुआ, ओके हो गया, उन्होंने वाइडर से टाइटर बना लिया। तो ये सब शब्द सुन रहा हूँ, टाइट कर। तो मैं देख लो कुछ तो हो रहा है, कुछ कर रहे हैं लोग। मेरा काम तो है शॉट देना, मुझे मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। ठीक, एक्शन शुरू हुआ, मैंने शॉट दिया, कट। तो महेश जी मॉनिटर पे थे और उन्होंने बोला, अरे विनीत हेलमत ज्यादा बाहर जा रहा है। ये सेंटेंस का मतलब मुझे नहीं मालूम, मैं यही हूँ। बोले हाँ, मैंने वही किया जो पहले किया था। ठीक। तो बोले हाँ, और सब लोग देख रहे मुझे, तो मैं बाहर कहाँ जा रहा हूँ? सबके सामने वो समझ गए। ठीक है। और सारे पेट पकड़ के जो हंस रहे हैं। उन्होंने बुलाया, बोले इसको दिखाओ मॉनिटर पे। तो उन्होंने वाइड शॉट मुझे दिखाया, हम कहा यही तो कर रहा हूँ। फिर बोले अभी देख, बोला हाँ दिखाइए। तो तुरंत जो ऐसा दिख रहा था जिसमें हम दो लोग ऐसा दिख रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ भी दिख रहा है उसमें, गट्टू यहाँ आ गया। तब समझ। और जैसे ही मैंने किया तो मैं फ्रेम के बाहर, बोले देख रहा है तू बाहर जा रहा है। बोला अच्छा ये हो रहा है, टीवी से बाहर जा रहा हूँ मैं। हाँ चलिए चलिए चलिए। अच्छा। हाँ ये बोला, टीवी से बाहर जा रहा हूँ, चलिए चलिए चलिए। और मैं गया उधर, खड़ा हुआ, ओके। फेवरेट क्रिकेटर कौन? मतलब धोनी, धोनी के ऊपर तो गाना लिखा था मैंने। अच्छा बताओ कि क्या गाना, एक बार गा दो। लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, लंब दंड हो प्रचंड विमान सा है मारता, धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है, धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। अब ये पर्सनालिटी है धोनी की। हाँ। शांत चित्त हर परिस्थिति में जो खड़ा रहे, हर धरा पे अंगद के पांव सा अड़ा रहे, नीतियों के जोड़ तोड़ हर घड़ी विचारता, मौके पे तरकश से राम बाण मारता, गोल पिंड हुर हर दिशा में देखो उड़ चली, लंब दंड है गदा सा भांजता महाबली, हर हवा को काटता है संकटों को छांटता है, प्रतिद्वंदी के हृदय में मच गई है खलबली। ओ माय गॉड। भैया जी के जीवन कितना कोमल कितना सादा, भैया जी का जीवन कितना कोमल कितना सादा, प्रेम पकौड़ी देके बोले सोचा ना तू ज्यादा बचवा, सोचा ना तू ज्यादा कासे सोचा बात, बोल बात सोचा बात नोचा बात सोचा बात, कटा बात काम हो जाई गंदा बचवा, काम हो जाई गंदा चौपट हो जाई धंधा बचवा, चौपट हो जाई धंधा, तो का करी भैया जी। भैया जी हाँ, हम ही बताएं। हाँ। अपनो दिमाग लगावा, अरे भैया जी अगुआ आप आए हैं। हाँ। तो जोन रास्ता दिखाई तो उन्हें रास्ता धके चलल जाए। ठीक बात। तो ज़ॉम्बी का जीवन जिया, दिवा स्वप्न का मदिरा पिया, ज़ॉम्बी का जीवन जिया, दिवा स्वप्न का मदिरा पिया, दिखले बानी इंटरनेट मगन रह, फोन में स्वाइप कर सर्फिंग कर, घूमत रह रोम में, संडे मंडे फुल्डे फंडे 365 ठिक है काम, 61 62 61 62 61 62 61 62। अनुराग सर ने ऐसा पोक करके लिखवाया। अच्छा वो आपने लिखा है? न्या, भाई ये नहीं पता था। न्या, अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चियार के टाए बोल जाओगे, पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो, ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, और किसका बीवी बच्चा तुम्हारा फैन है, ऐसा कुछ करके। तो और अमीर घर की लड़की पटाने का, और अमीर घर की कन्या पटाने का फंडा तो है ये। इसे कहते हैं पैतरा। ओ फक, क्या क्या गाना यार। फर्स्ट रैप कब लिखा था?
15-16 साल में पहले लिखा होगा है? हाँ तो किसी ऐसे कुछ सूझ जाता है उस वक्त किसी के प्रेम में थे या क्या उस वक्त मोटिवेशन क्या थी या देश प्रेम ऐसा कुछ नहीं अपने आप होता है तो मुझे ये होता था ना गाना वाना मेरे को नहीं लिखना है ये सब नहीं करना मेरे को एक्टर बनना है नहीं तो ये एक्टिंग का कीड़ा क्यों काटा इन्फ्लुएंस क्या था मुझे 14-14 साल की एज में ये एहसास होने लग गया था कि ये वो काम है जो मुझसे कुदरती होता तो उस वक्त घर में टीवी था या सिनेमा हॉल में नहीं वहाँ पे क्या होता था कि जैसे सरस्वती पूजा है तो पर्दे पे सिनेमा चलाया जाता था ठीक है तो वहाँ देख लिया शादियों में पर्दे पे जो है पिक्चर चलाई जाती तीन पिक्चर आते हाँ ऐसा होता था शादियों में हाँ शादियों में मतलब ये बहुत खास बात हुआ करती बनारस में मुझे लगता था यार ये पर्दे पे जो लोग आ रहे हैं ना टीवी पे लोग बहुत बड़े बड़े होते होंगे मैं बहुत छोटा था अच्छा मतलब जायंट्स हाँ जायंट्स होते थे और उस टाइम घर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा समझाओ अपना फादर मेरे मैथमेटिशियन हैं उन्होंने बुक्स लिखी हैं और ट्रिग्नोमेट्री जो बुक लिखी गई है उसमें उनका नाम है अच्छा फैमिली में सब एकेडमिक फील्ड में है तो वो हमेशा चाहते थे कि मैं मैथ्स पढ़ूं और मैं हमेशा चाहता था कि मैं इनके चंगुल से निकलूं समझ गया और आपकी मम्मी मम्मी हाउसवाइफ ठीक है गांव कहाँ गाजीपुर अच्छा कि गर्मी की छुट्टियों में गांव गए ये चाचा और पापा सब लोग जब इकट्ठे होते थे तो चाय लेके पहुंचा तो चाचा इस बार कौन सी क्लास में गया चाचा 9th में अच्छा अच्छा तो ट्रिग्नोमेट्री होगी तुम्हारी चलो तुम्हारा करा देते हैं चाचा बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री करा देते हैं हाँ फिर और ट्रिग्नोमेट्री करा देते हैं आपने क्या बोला चाचा को तो अंदर अंदर ये होता था कि यार ये खा जाएंगे मेरी छुट्टी ये ना ये गैंग है और मुझे इस गैंग से निकलना है ठीक है ठीक है तो ये मेरे दिमाग में चलता था फिर ऐसे जब 10th क्लियर हुआ उस बार तो मैं खुद गया था गाँव तो बोले कि हाँ इस बार तो तुम्हारा 11th है तो आओ इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो अभी से तैयारी कर लोगे तो ठीक हो जाएंगे बोला चाचा मैं तो बायोलॉजी ले ली हूँ बोले क्या सब शॉक में थे क्या तुमने मैथ्स छोड़ दी बोला हाँ तो क्या करोगे बोला नहीं मैथ्स समझ में नहीं आता मेरे लेकिन फिर भी रहे साइंस में हाँ रहे साइंस में इतना दूर नहीं जा सकते इतने, फिर तो, इतना फिर तो, हो ही नहीं सकता वो बेंड करके करवा देंगे ठीक बात हाँ डॉक्टर बनना मैं तो एग्रीकल्चर के लिए गया था कि एग्रीकल्चर ले लूँ इन लोगों की आज़ादी हो जाऊँ साइंस मतलब बोले ही ना कहीं पकड़ ही ना पाए न केमिस्ट्री में पकड़ पाए ना फिजिक्स में पकड़ पाए मैथ्स तो छोड़ ही दो मैं इतना हो गया था और भाई बहन कितने हाँ हम 3 भाई हैं 2 बहनें हैं मेरी मतलब छोटी वाली बहन तो अनएक्सपेक्टेड मतलब वो बधाई वाली कहानी है क्या ऐसा लग रहा था कि क्या है मतलब पता नहीं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें समझती थी है ना तो आपको क्या करना है एज एन एक्टर अगर आपका मैं एम्बिशन पूछूं अभी कोई स्पेसिफिक जॉनर है या कोई स्पेसिफिक डायरेक्टर है जिनके साथ आपका कोई फेवरेट कॉमेडी डायरेक्टर है कि भाई कोई आपको प्रियन सर प्रियन सर वो ऐसा लगता है कि अरे उनकी फेवरेट फिल्म कौन सी है हेरा फेरी अरे ये हुई ना बात तो यही शुरू हुई है हो तक आपने कभी उनको बोला है कि यार प्लीज मैं मेरे साथ करो ना कुछ मैं तो मतलब बोलता ही रहा हूँ अच्छा हाँ तो अभी लास्ट किससे मांगा अनुभव सिन्हा मैं लगातार मांगता हूँ हाँ सर मुझे काम करना है सर मिलो तो वो क्या बोलते हैं जब आप ऐसा काम मांगते हो तो अनुभव सर ने मुझे जब भी बार्ड ऑफ ब्लड की रैप की पार्टी हुई थी ठीक है तो उनको मैं बोला सर मुझे काम करना है आपके साथ मतलब नहीं 2 साल रुको अच्छा क्यों उन्होंने इसका कोई रीजन कुछ होगा कोई बिकॉज उनकी कोई फिल्में लाइन में होंगी पाइपलाइन में उस बात को 2 साल हो गए हाँ 2 क्या 3 से ऊपर तो फिर 2-3 से झूठे हो तो मैं तो नहीं झूठा तो नहीं सबकी अपनी कुछ परिस्थितियां होती हैं संदेश ठीक बात है ना मैं तो, बस फनी ले जाना चाह रहा हूँ मैं उनको झूठा नहीं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं मेरा ऑलमोस्ट पहला फिल्म इंडस्ट्री का इंटरव्यू था जब रंगबाज सीजन 1 के लिए अच्छा तिग्मांशु जी का मैंने इंटरव्यू किया था मैंने वो भी देखा था आपने कैसा लगा बहुत बढ़िया उसमें मुझे बहुत मजा आया था उसमें क्योंकि वो जो किस्सा बता रहे थे कि वासीपुर में जब भी वो तैयारियों वाला मैं उस समय वैनिटी में था अच्छा हाँ फिर तो उन्होंने बोला यार विनीत यार एक तो वो गॉडफादर वाला तरीका है अच्छा तो वो कर नहीं सकते कि रुमाल उमाल रख लिया वैसा वाला कर नहीं सकते अंडो को फंसा दिया पे भाई यार ये तो डायरेक्टर है मेरे मन में ये सब चल रहा है उनके भी इतना एक्सपीरियंस ये तो डायरेक्टर है जब ये खुद कर रहे हैं तो इतना बेचैन क्यों है तो एक एक्टर की क्या बेचैनी होती है मैं तो अलग तरह से देख रहा था ना मुझे ही होती है या सबको होती है पर सबको होती है तो जब आप कुछ नया करने की कोशिश में होते हैं तब ये होता है जब आप चाहते हैं किरदार को मैं अलग लाइंस तो लिखी हैं आप
उसको बोलोगे तो एक आवाज निकलेगी, ठीक बात, कुछ तो छप जाएगा कैमरा चल रहा है तो। लेकिन कुछ आप जब उसमें नया खोजते हो तब ये सब शुरू होता है। तो वो बेचैनी मैंने उनकी देखी। मंजरेकर साहब का कुछ प्रोसेस के बारे में कोई एक यूनिक कोई यूएसपी बताओ कि क्या है उनका चार्म। इमोशनल स्पेस में अगर परफॉर्मेंसेज हैं उसको बहुत कमाल निकालते हैं, बहुत कमाल निकालते हैं। जब पिता फ्लॉप हुई उसके बाद क्या हुआ? तो फ्लॉप हो गई तो वो सारे लोग जिनके कुछ कुछ अनुभव ऐसे थे कि मुझे लगा था कि ये लोगों से मैं पूछ पाऊंगा अगर कोई चीज जाननी होगी, तो डिसअपियर हो गया। मैं उसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि मैं जहां से आया था कि वहां आप गले मिल लेते हो तो उसका एक मतलब है। ठीक बात है, ठीक है, एक बॉन्ड बैठ जाता है। हाँ, उसका एक मतलब है। यहाँ खामखा गले मिलते हैं, सब मिल लेते हैं। बड़ा शहर रास नहीं आया आपको? हाँ। अभी तक नहीं आया? अभी तक एक रंजिश है इस बड़े शहर के खिलाफ? नहीं, बहुत अच्छे लोग भी मुझे यहाँ मिले हैं। हाँ, इसकी अच्छाइयां बहुत अच्छे भी हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन बेमतलब गले मिलते हैं। हाँ, बेमतलब, मतलब खामखा गले मिल लेते हैं। तब मुझे शहर समझ में आना शुरू हुआ। महेश जी ने कभी हाथ नहीं खींचा और यहाँ दिन भर स्ट्रगल करता था और शाम को महेश जी के ऑफिस चला जाता, थोड़ी देर वहाँ पर रहता था, कुछ खावा लिया। शाम को लोग नाश्ता वाश्ता करते थे तो मैं कुछ खा लेता था। मेरे पास लिमिटेड पैसे हुआ करते थे, घर पे नहीं बताता था कि मेरा ये हाल है, नहीं तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे सब। वो देख ही नहीं सकते कि भाई ऐसे रह रहा है, तो मैं बताता नहीं। मैं बोला नहीं, सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। वेट वेट लूज हुआ होगा? हाँ, वेट वेट तो सब कुछ होता था, वो सब प्रायोरिटी थी ही नहीं। इतना बड़ा मेरे कमरे में शीशा ही नहीं था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ उसे देख सकूँ। ठीक, सब कुछ आंसर दे दिए इसमें। तो सलून में जाता था तो दिखता था, अच्छा एक महीने में ये चेंजेस आ गए। फिर एक दिन महेश जी ने ऐसा बोला कि विनीत, तू सोचता अच्छा है, तू लिखता अच्छा है, जब तक कुछ तेरा नहीं हो रहा है तू असिस्ट कर ले। बोला यार ये बढ़िया है, क्योंकि अगर मुझे ये सेट पे रखेंगे तो हर फिल्म में 100 लोग 150 लोग होंगे तो कुछ लोगों से रिलेशन बन जाएगा, लेकिन मैं हूँ तो एक्टर। तो सिलसिला वो शुरू हुआ, एक फिल्म हो गई, दो फिल्म हो गई, तीन फिल्म हो गई, चार फिल्म हो गई, ऐसे करके 6 फिल्म के आसपास हो गई। फिर एक दिन महेश जी ने बोला, विनीत अगली पिक्चर मेरी तू डायरेक्ट करेगा। उस दिन मेरे को ना ऐसा झटका पड़ गया एकदम, क्योंकि मैं जो काम उन्होंने बोला उस काम को मैं बहुत ईमानदारी से करता, शिद्दत से किया, लेकिन मैं इस मौके में था कि सर को पता है कि ये एक्टर है तो कभी मुझे ब्रेक मिल जाएगा। जब ये हुआ तो मुझे लगा यार थोड़ा खुद को देखूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। पढ़ाई मेरी मेडिकल कंप्लीट कर चुका था, फिर मैं घर चला गया बनारस। हाँ, और इस समय महेश जी ने कुछ नहीं बोला कि तू कहाँ गया विनीत, कहाँ है तू? बीच में कभी कभी फर्क नहीं पड़ा? हाँ, कभी कभी फोन आता था महेश जी का कि विनीत कैसा है, कहाँ है, तो मैं बताता नहीं था कि मेरे अंदर चल के रहा है। मैं घर पे था और दिन भर एक ही काम करता था, फिल्में देखता था VHS ला ला के। शाम को ग्राउंड जाता था, 1.5-2 घंटे ग्राउंड में बिताता था। पैरेलल एक दुनिया मेरे साथ चल रही थी कि मेरे साथ के सारे दोस्त हॉस्पिटल डाल रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं। अच्छा। हाँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है। और लोग परिवार के ऊपर हंस रहे थे, मेरे ऊपर हंस रहे थे, और इस उम्मीद में था कि मैं कैसे जाऊँ अभी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद महेश भट्ट साहब आए बनारस। अच्छा। स्पंदन एक प्रोग्राम था उसके लिए। अच्छा। तो मेरे भाई ने समहाउ फिगर आउट किया और मैं उनसे मिला, भट्ट साहब से बातचीत हुई, उनको जो भी मेरे अंदर लगा हो। तो उन्होंने बोला, विनीत आई एम फीलिंग सम काइंड ऑफ यू नो रॉ टैलेंट इन यू, आई फेल्ट द सेम थिंग व्हेन आई मेट इरफान एंड वाजपेयी मनोज, उनके सेंटेंसेस थे उस समय, एंड राणा आशुतोष राणा। तो उन्होंने ऐसा बोला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ऐसा ये महसूस कर रहा है। इन नामों से कंपेयर होना तो बहुत बड़ी बात है। और जबकि मैं खुद को खोज रहा हूँ, कोई ज़मीन नहीं मेरे पे, एक्चुअली ज़मीन खिसक चुकी है ये मैं जानता हूँ। मैंने तय किया अब जो मिलेगा वो करूँगा। धोखा हुई, फिर जश्न हुई, जन्नत हुई, क्रुक्स हुई, हमेशा बुलाया जाता था, लेकिन एक सीन हुआ, फिर किसी में 2 सीन हो गया, फिर 4 सीन हो गया, फिर 5 हो गया, लेकिन वो नहीं हो रहा था जिसके लिए मैं शहर में आया था 1999 में। और मैं खुद पे काम करता रहा, क्योंकि डायरेक्शन में इतना काम देख लिया था, बच्चन साहब को आँख के सामने करीब करीब 45-50 दिन काम करते देखा हूँ। मैं सब काम करता था, मैं AD इसलिए नहीं था
कि मैं, मेरे को असिस्टेंट डायरेक्टर का टाइटल चाहिए। मैं लिटरली ऐसा होता था, मैं जब सेट पे होता था तो मेरे सीनियर्स उनको कुर्सी पे बिठा देता था कि आप बैठो मैं कर रहा हूँ, आप कंटिन्यूटी शीट दो मैं वो भी लिख दूंगा, आप क्लैप बोलो मैं क्लैप भी कर दूंगा, भाग के जाना है एक्टर को बुलाना मैं बुला दूंगा। मैंने सुनील शेट्टी साहब का डुप्लीकेट किया, कौन सी धड़कन, पद्मश्री लालू प्रसाद यादव। और फिर एक फिल्म थी रक, तो उसमें एक डेड बॉडी की जरूरत थी, मैं बोला मैं बनूंगा, मैं डेड बॉडी बना, क्राइम पेट्रोल करा लो, कहीं कोई सीरियल में कुछ करा लो, हाँ हाँ सब किया। फिर सीरियल में मुझे ये होता था कि यार हीरो बनाते नहीं है, तो मैं सीरियल ऑडिशन देता था, सेलेक्ट हो जाता था, फिर वो बोलते थे आपका रोल जो है ना जैसे कैमियो है, तो मैं कैमियो करने के लिए हाँ बोलता था। फिर ये होता था कैमियो हम बढ़ाएंगे, बोला नहीं मेरे को नहीं करना है, छोड़ देता था। फिर मैंने मतलब टीवी में कैमियो ही करना था बस, हाँ कि टीवी में कैमियो ताकि मेरा खर्चा चल जाए। करेक्ट करेक्ट। ऐसा ऐसी ऊर्जा में मैं काम करता था, बस ये उम्मीद थी एक दिन मुझे भी ब्रेक मिले। इस सब टाइम में हेल्थ पे कुछ असर नहीं पड़ा? क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोल रहा हूँ ना कि ये भी हुआ तो मैं ग्राउंड जाता था, क्योंकि मुझे बात समझ में आ गई मेरे साथ लेट होगा और यही टूल है, इसको फिट रखना है, इसको फिट रखना है। एक सवाल पूछ लूं इंटीमेट, ऑफेंड तो नहीं हो गए? ना ना। आपको लगता है ग्राफ वहां गया है मुक्काबाज के बाद जहां जा सकता था? मुक्काबाज के बाद नहीं, आसपास नहीं है। किसी मेनस्ट्रीम फिल्म में लीड आपको नहीं लिया गया, उसका डायग्नोसिस पूछ रहा हूं कि आपको क्यों लगता है? बॉक्स ऑफिस, बॉक्स ऑफिस ही है मेन। बॉक्स ऑफिस क्या है, मतलब आजकल काम के बारे में कम बात होती है, आजकल बात ये होती है कि फर्स्ट डे कलेक्शन, ठीक बात है, सेकंड डे कलेक्शन, वीकेंड कलेक्शन। इस बात का एक दर्द तो है, बिल्कुल दर्द, बहुत गहरा दर्द है, वाला चोट है। अरे तो क्या बॉक्स ऑफिस स्टार बनने के लिए कुछ खास क्वालिटी, कुछ खास क्राइटेरिया होता है, या फिर एक सरनेम होता है? मुझे नहीं पता। इट्स नॉट अबाउट सरनेम संदीश, इट्स नॉट अबाउट क्राइटेरिया। क्या है कि इरफान भाई की एक ही फिल्म है जिसने 100 करोड़ कमाई, ठीक है, चाहते तो वो भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल जोकर के कैनवास की फिल्म, उस टाइप का काम करना है आपको? हाँ बिल्कुल, मैं तो मतलब मैं बेचैन हूँ। उस कैनवास की फिल्म अगर आप कंसीव करने जाएंगे तो अब जो जितना थोड़ा मोड़ा मुझे समझता है ठीक ठाक पैसा लगेगा। बहुत, यहाँ तो बनाने में बहुत ज़्यादा। आप बना लोगे मनोज भाई के साथ? आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, आप बना पाओगे? उस वो बजट ये बाजार देगा? आप बताओ, मुझे नहीं पता। नहीं देगा, मैं गुजर रहा हूँ उससे। बाजार की अपनी कुछ डिमांड तो होती है। हाँ, वो क्या डिमांड है? वो इस पर वो डिमांड ये होती है कि आपके ऊपर पैसा तब लगता है जब आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस में पैसा कमाती है। ज्यादा पैसा इसलिए नहीं लगता कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। एक्टर बॉक्स ऑफिस की गणित में फेल कर जाता है। इस बात को मैं अब खूब अच्छे से समझता हूँ। मुक्काबाज जब रिलीज हुई तब आपको अगर मुक्काबाज ने सपोज, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मुक्काबाज ने बॉक्स ऑफिस पे ऐसा कुछ 50 करोड़ कमाया होता, मैं अब तक मैं बता रहा हूँ कि मैं कम से कम नहीं तो 5-7 ऐसी फिल्में किया होता, पता नहीं मैं खुद को शायद और खोज पाता, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि जो अच्छे डायरेक्टर हैं वो मेरे साथ आर्थिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएंगे कि यार विनीत के साथ मैं करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्टर है मेरे को करना है, लेकिन विनीत के साथ मेरे को 15 करोड़ बाजार नहीं देगा। ओटीटी वाले जमाने में भी ये नहीं हो रहा है? ओटीटी अभी शुरू हुआ है ना, तो अभी तो ओटीटी के लिए ढंग के तो राइटर ही नहीं बन पाए हमारे यहाँ। हमने राइटर्स को नर्चर कहाँ किया है? आप पूछ के देखना संदेश, यहाँ अपने यहाँ सभी एक्टर्स से या डायरेक्टर से पूछ के देखना, अपनी बेस्ट सीरीज बताओ, इंडिया सीरीज का नाम ले बताना। ठीक बात है, और जो अच्छी है उनके बारे में बात। यहाँ तो 135 करोड़ है, हम दुनिया का करीब करीब 1/6 है, हम एक सीरीज नहीं बना पा रहे जिसको दुनिया बोले कि यार इंडिया की ये सीरीज है, दिस इज द बेस्ट वन। हम देखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं बेशरम के जैसे, मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छी लग रही है उनकी, हम बना नहीं पा रहे ऐसे क्वालिटी की क्योंकि हमने राइटर्स को नर्चर ही नहीं किया ऐसा। ओटीटी अभी बहुत बड़ा होगा, इन्फेंट चल रहा है, तो राइटर्स अब आएंगे धीरे धीरे, इट विल टेक सम टाइम। ये जो फिल्म इंडस्ट्री की पार्टी में जाते हो? नहीं, कभी नहीं, इन्वाइट नहीं आता, कहीं कहीं जाता, इन्वाइट नहीं आता। हाँ, सो कॉल्ड ऐसी पार्टीज का इन्वाइट तो नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ऐसा क्यों है? मुझे नहीं मालूम, एक क्लासिज्म टाइप है क्या इंडस्ट्री में? ऐसा नहीं बोलूंगा कि, लेकिन फिर भी या उसको क्लासिज्म ना बोले कुछ और बोले, मतलब मैं सिर्फ कुरेदने के लिए नहीं कुरेद रहा हूँ, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए पूछना है पूछो, इसलिए बोल रहा हूँ। ऐसी यहाँ ट्वीट करने में कंजूसी कर देते हैं। मैं ऐसा देखता हूँ कि एक पर्टिकुलर काम कहीं से अगर बिलोंग करता है तो सारे के सारे सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। संडम वाली बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नेपोटिज्म वाली बात हो रही है। मैं या एक एक गैंग है क्या? क्या नहीं, कोई गैंग नहीं बोल रहा हूं। ऐसा इंटरव्यू मैंने कभी नहीं किया जो ऐसी बातें हो जाएं।
इतनी सीरियस इंडस्ट्री की इतनी प्रॉब्लमेटिक कुछ प्रॉब्लमेटिक कुछ प्रॉब्लमेटिक चल रहा है यहाँ पे। 12 जनवरी 2018 को मुक्काबाज आई, ठीक है, मैं एज एन एक्टर मुझसे कमी रही हूँ मुझे बताइए। बहुत बेहतरीन फिल्म है। हाँ, अगर मैं कहीं कुछ कम पड़ गया हूँ मैं और करने को तैयार हूँ, लेकिन 4.5 साल में मेरी दूसरी सोलो लीड थिएट्रिकल रिलीज नहीं है। ऑफर हुई है? ऑफर ही नहीं हुई है। ऑफर भी नहीं हुई है। आधार बनी है वो रिलीज नहीं हो पा रही है। हाँ। बाकी 4.5 साल में तो मैं नहीं मटेरियलाइज कर पाया। मैं सोचता हूँ जैसे मुक्काबाज क्यों हुई मेरे लाइफ में, वासीपुर हुई, उसके बाद मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स है जो पता नहीं लोग इतनी बात क्यों नहीं करते, और वो जो पुलिस स्टेशन वाला सीन है अगली जिसमें आप मराठी में शिफ्ट कर जाते हो। हाँ, भाई वो हाँ। मुझे समझ आता है कि उसमें इम्प्रोवाइजेशन हुई ही होगी, पर इम्प्रोवाइजेशन अगर किसी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन सीन देखना है तो वो एक सीन है। है, वो हुआ था, अनुराग सर आए, दो पेज का सीन था, दो पेज का मतलब 2.5 से 3 मिनट खत्म हो जाता, और पुलिस स्टेशन का सीन जहाँ आपको कंप्लेन लिखानी है बहुत बोरिंग होता है। ठीक। मेरा वो फर्स्ट डे था अगली का। अच्छा। मैं तभी सोच रहा हूँ मैं क्या कर लूँ मेरे बाल का, तो ये बाल ऐसे इतने तो नहीं लेकिन हाँ ऐसे बड़े थे, तो थोड़ा ब्लो ड्राई वगैरह करके, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं दी थी उन्होंने, जब भी पूछूं तो बोले नहीं वो कास्टिंग डायरेक्टर है, वो उल्टी सीधी फिल्मों को कास्टिंग करता है, यही ब्रीफ देते बस, एक स्केच समझा दिया कैरेक्टर का, ऐसा ही। तो वैनिटी में आए, बोले क्या किए हो, मतलब ये सब करके बैठा हूँ, मतलब देख लीजिए जो भी नहीं ब्लो ठीक वो लुक बना लिया। तो उन्होंने बोला एक काम कर इधर तो पार्टीशन कर दे, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पे चल रहा है सब, तो वो भी हो गया। ले सीन दिखाओ, इसको फाड़ दिया, इसको छोड़ दो ये नहीं करेंगे। मतलब क्या कुछ और सीन करने वाले? बोले नहीं करेंगे यही, ये नहीं करेंगे। मतलब स्क्रिप्ट वो कहाँ है? बोले यार तुमको क्या करना है स्क्रिप्ट का, बता रहा हूँ ना क्या करना है। कहा तो मतलब बिना उसके मैं क्या बोलूँगा? धीरज धीरज गदाधारी भीम, हमेशा बोलते हूँ गदाधारी भीम धीरज। मुझे टर्न ट्विस्ट बता दिया बस, कि तू निकला था तो ये याद रखियो नीचे गाड़ी में कली थी, और उसको पूछा फिर भाई क्या सीन है यार, तू स्क्रिप्ट का प्रिंट आउट लेने गया था। ऐसे 2-3 बॉल्स उन्होंने दिमाग में डाल दिए। एक ही टेक है कि भाई वही किया या वन टेक? 14 मिनट डन हुआ। हाँ, वो सीन बह रहा था, बहुत ही खूबसूरत, उसमें तो क्या मजा आया होगा यार करने में। मतलब एज एन एक्टर आप खुद को पाते हो, करेक्ट। तो वो मेरे साथ तो ये अनुराग सर के साथ हर बार काम करके, क्योंकि वो कट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? वो चलने देते हैं, वो तब रोकते हैं जब आप कहीं गलत जा रहे हो या उनको ये लग जाए कि इतने की जरूरत नहीं है। तो हर बार जैसे मुरब्बा मैंने की थी, तो बच्चन साहब के बंगलो पे शूट करना है, सामने जो वॉचमैन है, वॉचमैन को नहीं पता शूटिंग होने वाली है, उन्होंने बता दिया देखा पिताजी ने तुमको भेजा है मुरब्बा खिलाना है, तुम इसी के लिए बम्बई आए हो, ठीक बात, ये ध्यान रखना, और तुमको गेट के अंदर जाना है। गोरिल्ला शूट चल रहा था? नहीं, शूट होनी थी। हाँ। ये बच्चन साहब को पता था। अच्छा। कि प्रतीक्षा पे शूट होनी है। हाँ। लेकिन जो वॉचमैन के साथ, वॉचमैन को बताया नहीं? नहीं बताया था। उन्होंने गाड़ियां फॉलो कर रही थी मुझे, फिर मैं धीरे धीरे उनके बंगले की तरफ बढ़ना शुरू किया। हाँ। और मैं पूछा कि अमिताभ बच्चन से मिलना है क्या? ऐसे बोला हाँ मुझे उनसे मिलना है, उनको मुरब्बा खिलाना है, और हम उसी के लिए यहाँ आए हैं, तो आप उनसे मिलवा दीजिए। बोलता आप उनसे मिलवा दे, कहाँ से आए हो भाई? हम इलाहाबाद से आए, यही सब डायलॉग्स मेरे लिए थे। इलाहाबाद से आए हैं, हम मुट्ठीगंज में रहते हैं, हमारे घर से उनका घर जो है 5 किलोमीटर भी नहीं है। ठीक बात है। तो हम जब भी जाते हैं तो उनके घर के उधर ही तो निकलते हैं, तो सुन भी रहा है। उनका कुछ स्क्रिप्ट नहीं था जो आप उनसे पूछते हो आप कहाँ से हो, वो बताते हैं उनको कोई स्क्रिप्ट नहीं। दो कैमरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो उसको ये लगा कि यार ये तमाशा हो रहा है, और हटा रहा है मुझे, और मैं और घुसे जा रहा हूँ, वो सीन बन गया। बाद में उसको बताया गया कि हम लोग को शूटिंग ही करनी है, और तुमको फोन अभी आएगा, जाओ। बोला डरा दिया आप लोग एकदम से, पहले बता देते हम गेट खोल देते। कि यही तो सीन था। अनुराग सर का यही होता है कि वो ना आपको ऐसे स्पेस में ढकेल देते हैं जहां आप खुद जिम्मेदारी ले लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता। उनको पता है आपका कौन सा बटन दबाना है। हाँ, ये भी एक ऐसा बात है, मुझे लग रहा है। कहीं है जैसे वासीपुर में मैंने 17 kg लूज किया था। 17 kg लूज किया था। अनुराग सर ने गाना सुनाया तार बिजली से पतले हमारे पिया, और बोले बिजली की तार बन के आना। मैं उनसे टाइम कितना दिया? मैं उनसे मिला हूँ 3:30। भाई अनुराग कैसे आपकी लाइफ के हीरो हैं, बुली हैं, ये मैं नहीं समझ नहीं पा रहा। मुझे लगता है मैं आपको बुली कर करके काम निकलवा रहा हूं। बढ़िया। हर महीने मुझे लगता है 5 kg उड़ा देता था वेट। अच्छा। हाँ, उस टाइप का रिश्ता किसी और से बन पाया? जैसे 2 घूंट पानी चाहिए था,
मैं उसके लिए तड़प रहा था, तो वो दो घूंट उन्होंने पिलाया था, क्योंकि पहचान ही नहीं थी। मैं मेडिकल कॉलेज से हूँ संदेश, या तो खिलाड़ी थे मेरे दोस्त या फिर डॉक्टर्स हैं। लोगों को लगता है मैं डॉक्टर बनने के बाद यहाँ आया। डॉक्टर कब बन गए? डॉक्टर मतलब मैंने कंप्लीट किया 2001 में, टू इंटर्नशिप खत्म की, पीजी की। रैगिंग होती थी तब मेडिकल? हाँ, में बहुत। कुछ बताओ। मैं मेडिकल छोड़ने के मूड में था रैगिंग की वजह से। ओके। मतलब वो नेकेड वेकेड कर दिया उन लोगों ने एकदम फुल। हाँ फुल। ये वाली रैगिंग जब हुई आई वॉज क्राइम आफ्टर दिस इंसिडेंट। हाँ, तो मैं पापा को बोलता था अगर ऐसे ही डॉक्टर बनते हैं तो मुझे नहीं बनना। तो उनको ये नहीं पता था कि मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ, उनको नहीं बता पा रहा था। एक बार बोला था तो उन्होंने बोला क्या है तुम्हारा, तुम सारे भाई बहन तुम्हारी तरफ देखते हैं, तुम ये सब करोगे तो सारे के सारे जाएंगे, ये सब नहीं चलेगा। तो वैसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अच्छी लगी फिल्म मुक्काबाज? आपकी कोई शिकायत थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे साथ वो हुआ, 18 साल के बाद हुआ, लेकिन वो हुआ। एक फिल्म थी जो जिसका हीरो था मैं, मुक्काबाज लिखी, फिर पिच करता रहा लोगों को कि कोई बना दो। मेरी कंडीशन ये थी कि अगर आप मुक्काबाज बनाना चाहते हैं तो इसका हीरो मैं हूँ, ठीक, और नहीं तो स्क्रिप्ट। और किस किस को पिच की थी? नितिन कक्कड़ को पिच की, यूटीवी में पिच की थी। मैं फैंटम में पिच करने की सोच रहा था, सब जगह घूम रहा था, तो ये था कि यार फैंटम में भी पिच तो कर ही सकता हूँ। डेफिनेटली, बिकॉज मुझे ये हो रहा था अनुराग सर के पास जाऊँगा, अभी अगली हो गई, वासीपुर हो गई, बॉम्बे टॉकीज हो गई, उनको लगेगा कि सर पे ही बैठ गया एकदम। और अगली के प्रीमियर में उन्होंने बोला था तुम्हारा हो गया, तुम निकलो अब। तो मैंने उनको ये बोला था सबके सामने, मेरा हुआ नहीं है। क्यों? बोले देखिए बॉम्बे टॉकीज में चार कहानियाँ थी, तो चवन्नी मेरे हिस्से आई है। वासीपुर में नवाज भाई हीरो हैं, मनोज भाई हीरो हैं, मैं सैबल्ला हूँ। सैबल्ला मतलब? सैबल्ला मतलब दूल्हे जैसे सजाया तो जाता है, लेकिन फेरा वो नहीं लेता, छोटा भाई जो होता है ना। ओ, हमारे यहाँ कहते हैं सरवाला। अच्छा। हाँ, तो हमारे कहते हैं सरवाला। उनको ऐसे ही बोला। हाँ, कि उसमें मैं सैबल्ला था। सैबल्ला, ठीक है ना। अच्छा, तो उन्होंने बोला तुम्हारा हो गया, अब जाओ। हाँ, मतलब, तुम जाओ। हाँ, मतलब तुम और कहीं देखो। हाँ, देखो नहीं, अब मैं नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें दो तीन करा दिए हैं। हाँ, मैं नहीं दूंगा तुमको, हो गया। ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो इस वजह से मैं मुक्काबाज लेके उनके पास नहीं जा रहा था, ठीक है, तो मैं यहाँ। बट उनको पता चल रहा था कि कोई चीज ये लेके घूम रहा है। तो मैं, मेरी एक आदत है कि इफ आई नो समवन थ्रू यू, तो मैं अगर उनसे मिलूंगा तो आपको पहले बताऊंगा कि संदेश उस आदमी से मिलवाया था तुमने, मैं उनको अप्रोच कर रहा हूँ, तो आई जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से अनुराग सर को बोला आपकी कंपनी में मैं पिच करने वाला हूँ। उन्होंने बोला क्या लिखे हो? मैंने स्क्रिप्ट दे दी। हाँ। अब मेरी लालच ये थी संदेश के अनुराग सर स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, फीडबैक देंगे, वो फीडबैक मेरे काम आएगा, क्योंकि ये फैंटम की क्रिएटिव टीम को मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो फैंटम ऐसा कभी 6 महीने में चला गया, तो उन्होंने पढ़ा और कॉल आई। 1 मिनट बात हुई होगी हमारी, विनीत मैंने पढ़ी, मैं पिक्चर बना रहा हूँ और तुमको लेके बना रहा हूँ। पक्का? हाँ हाँ पक्का, लेकिन सुनो तुम बॉक्सर नहीं बनोगे तो मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगा, और स्क्रिप्ट में मेरे हिसाब से चेंजेस करूंगा। बोला स्क्रिप्ट आपके पास है, जो करना है करिए, हाँ मैं बॉक्सर बनूंगा। ये बोला और हमारा फोन कट हुआ। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, लेकिन 2.5 साल जो पिच किया ना, तो उस पिचिंग में मैं रोज स्क्रिप्ट लिखने के बाद मुझे बात पता थी कि ये तो है बॉक्सर, और मैं जिस तरीके की बॉक्सिंग देख रहा हूँ उसके लिए मुझे खुद को तैयार करना है, ठीक। बॉक्सिंग ग्लव्स कभी छुआ नहीं था, तो संदेश मैंने ना, मैं डेली 3-4 घंटे ट्रेनिंग करता था ये सोच के कि ये स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी है किसी दिन बनेगी। मुझे लगा था 6 महीने में कोई मिल जाएगा, वो 6 महीने का 1 साल हुआ और 2.5 साल हो गया। तब तक मैंने नहीं नहीं तो 20 ट्रेनर ट्राई किए होंगे मुंबई में, तो ज़्यादातर MMA सिखा रहे हैं। मैं कुछ अलग सोच रहा था, अनुराग सर के पास मैं गया नहीं इस वजह से कि उन्होंने ये बोला, लेकिन 2.5 साल इस कोशिश में कि मैं बॉक्सर बन जाऊँ, मुझे सिर्फ इतना पता चला कि यहाँ नहीं हो पाएगा मुंबई में, मतलब पैसे हैं नहीं, ट्रेनिंग के लिए पैसे मांगूंगा तो फिर एक प्रोसेस शुरू होगा। मैं बोला भाई इसके पहले कि ये लोग कुछ दूसरा फ़ोन आ जाए, मुझे इस शहर में नहीं रहना। मैंने सारा सामान बेचा उसी दिन, सब कुछ बेच दिया अपना। कितना मतलब, पैसा इकट्ठा हुआ? मेरे पास तकरीबन 2.5 लाख के आसपास। उस वक्त अकेले रहते थे या? मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ थी, ठीक है, और वो ये पागलपन जानते आज। हाँ, अब वो वाइफ है। वाइफ है, वंडरफुल। तो उसको मालूम है अभी भी उतना ही पागल हो? हाँ हाँ, डिपेंड करता है किरदार कैसा कर रहा हूँ। ठीक बात। रात के 3 बजे
सारा सिलसिला खत्म हुआ मेरा और मैं रात के 3 बजे निकला हूँ। कहाँ गए? पटियाला, पंजाब। पंजाब निकला। मुझे पता, विजेंद्र सिंह से बात की। विजेंद्र सिंह बॉक्सर? हाँ, ओलंपिक मेडलिस्ट। हाँ, अच्छा। तो ही हेल्प मी, ही गेव मी कॉन्टेक्ट्स। आप उनको जानते थे पहले से? भूख लगती है तो मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चीजें मेरे साथ होती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी। तो मैं पटियाला पहुंचा और मुझे ये नहीं पता मुझे रहना कहाँ है, कि ढाई दिन गाड़ी चलाई, ढाई तीन दिन, एक दिन गाड़ी से गए। हाँ, बाई रोड। अपने पास गाड़ी थी? हाँ, गाड़ी थी, डिजायर। डिजायर थी अपने? मैं उसका सौदा कर चुका था। क्या मतलब? बेच चुका, उसको बेच चुका, बेच चुका था। बोला ये था कि भाई पटियाला जाके गाड़ी मुझे नहीं, गाड़ी मुझे चाहिए होगी। हाँ। मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना होगा, कहाँ रहना होगा, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ। गाड़ी की जरूरत है। मैंने पटियाला में, मतलब मुंबई में घर खोजने में मुझे उससे 50 गुना ज्यादा मेहनत लगी होगी जितना पटियाला में मुझे लगी थी घर पाने में। आराम से मिल गया। मैं पहुंचा, एक आदमी से पूछा था कि घर यहाँ कैसे मिलता है, उसने बोला मेरे यहाँ। उसने नहीं, उसने ये बोला कि मैं किसी को घर दिलवाने वाला था, वो पार्टी ने कैंसिल कर दिया अभी। मैंने घर देखा, मैं बोला इसे लॉक कर दीजिए, मैं आप शिफ्ट कर रहा हूँ। मतलब कब आप आएंगे? मैं बोला आ गया, मतलब सामान मतलब गाड़ी में। फिर पूरे घर को वो इतने प्यारे लोग मुझे मिले, पूरे घर को मैंने वो बना दिया था बॉक्सिंग का, ऐसा लगता कोई क्लब है। अच्छा। और फिर ट्रेनिंग शुरू हुई, उसमें रिब विब टूटी थी, उसमें हर तीसरे दिन में ऐसा ना खून में ऐसा बैठा रहता था। ये समझ नहीं आता था कि ये वीडियोस अगर मैं भेज दूंगा, क्योंकि हो नहीं पा रहा, खून में सने हुए। हाँ, क्योंकि मुक्का लगता था तो भर 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 खून, कभी इधर फट गया, नाक फूट जाती थी। और वो लोग बॉक्सर्स को ये नहीं बताया था मैं एक्टर हूँ, कोच को पता था। हाँ। मैंने बोला सर बताना मत, नहीं तो मैं वो कर नहीं पाऊंगा जो करना चाह रहा हूँ। जब ज़्यादा चोट लग गई थी तो उन्होंने बोला विनीत देख काम खराब हो जाओगा, बच्चे हैप्पी को देख ले, उस एक बॉक्सर है उसकी ये नस कोई प्रेस हो गई है इधर, तो बात करते करते उसका ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करता है हैप्पी। तो बोले ये देख, फिर बॉक्सर्स को दिखाए जिनकी नाक टूटी हुई है, बोले तेरे साथ बहुत जल्दी ये हो सकता है क्योंकि तू बॉक्सर नहीं, ये तो फिर भी बॉक्सर है, एक मुक्का तेरा करियर ख़त्म कर देगा, तो बता दे सबको। बोला नहीं सर मत बताओ। और मैं उस एज में गया था जब मेरे न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस बॉक्सर्स के हिसाब से डेवलप ही नहीं हुए थे, और न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस एक सर्टेन एज तक ही ग्रो होते हैं। बच गए आप फिर तो? हाँ, ऐसा, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता था आपके कुछ साथ? मुझे लगता है कुछ 4-5 महीने की फाइट के बाद वन डे मैजिक हैपेंड। ओके। आई वाज इन द रिंग और मुझे नहीं पता चला, सर नीचे थे एंड आई वाज जस्ट मिसिंग एंड डांसिंग एंड अटेम्प्ट कर रहा था कि कनेक्ट करूं, बट पंचेज मुझे लग नहीं रहे थे बिकॉज आईज ब्लिंक करनी बंद हो गई। इट वॉज हाँ आप आ रहे हो, मैं पीछे हटूंगा। वो बड़े बहुत प्यार से इधर से मुक्का आया पैरी की, इधर से आया हटा ना, मुक्के की लाइन से हटता था और अटेम्प्ट करता था अटैक का, एंड ही वॉज जस्ट लुकिंग एट मी। और मैं उस दिन इतना खुश था, मुझे नहीं पता मैं कर किया क्या। उन्होंने मुझे बताया कि विनीत मेरी लाइफ में ये मिरेकल मैंने 2 बार देखा है, आज दूसरी बार देख रहा हूँ। इस एज में न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्सेस डेवलप नहीं होते। And I saw the miracle right now. And उस दिन के बाद से मैं किसी बॉक्सर्स भिड़ लेता था। तो वहाँ कोई दोस्त वगैरह बने? मेरे या इतना मतलब इतना फोकस था कि सबसे बेहतर दोस्त बॉक्सिंग से हैं आज। मतलब मैं बोल हाँ, क्योंकि वो जानते हैं जब उन्होंने जाना तो उनको सब उनके उनकी लाइफ में ऐसा है कि उनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी। ठीक बात। क्योंकि उन्होंने मुझे ये देखा है कि मुझे रिंग में भागा भागा के बॉक्सर्स मार रहे हैं और सब हंस रहे हैं। ये सब हुआ? हाँ। और मैं मार खाता था क्योंकि मुझे पिक्चर करनी थी, और मेरे सामने नहीं नहीं तो संदेश बता रहा हूँ, हर महीने वहाँ पे 5 से 10 नए लोग आते थे। हाँ। और हर महीने वहाँ से भाग जाते थे, क्योंकि जब मुक्का पड़ता है ना तो जैसा कटा पेड़ गिरता है ना, आप ऐसे गिरते हो, आपको पता भी नहीं चलता कैसे गिर रहे हो आप। बॉक्सिंग के लिए बहुत कलेजा लगता है। कौन से एक्टर के साथ सीन करके बहुत मजा आया आज तक? मनोज भाई के साथ बहुत मजा आया। और किसके साथ? नवाज भाई के साथ बहुत मजा आया। क्या सीखने को मिलता है इतने बढ़िया एक्टर के साथ सीन में? एज एन एक्टर आप जितना काम करते हो वो तो अपनी जगह है, ठीक है, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ शेयर नहीं कर पाते हो। ऑफ स्क्रीन जो बात होती है आप वहाँ सीखते हो। जैसे वासीपुर में जब कर रहा था तो मनोज भाई से लंबी बात हुई थी, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। एक दो चीज बता दो कोई टेक्निकल। बहुत है, जैसे उन्होंने बोला विनीत स्टोरीज पढ़ा करो, और ये तो मुझे पता था कि पढ़ा करो, फिर उन्होंने बोला उसको अपने हिसाब से फिर सुनाओ। ज्यादातर एक्टर्स एक टाइम के बाद खुद पे काम नहीं करते। आपका चलता है रोज रियाज? मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ। मेरे लिए तो ये होता है जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं
20 कैरेक्टर एक साथ जी रहा होता हूँ, मैं लिखता हूँ तो बोलता हूँ, तो देखने वाले को ऐसे लगेगा क्या चल रहा है ये। आजकल रोज बिजी रहते हो या आजकल नहीं? कम काम करता हूँ हो ना, ये तो आपने बता ही दिया। पिछले एक साल में एक शो किया बस, रंगबाज। हाँ, रंगबाज जब मैंने पढ़ी तो 4 महीने पहले काम करना बंद कर दिया। तो रंगबाज की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगेगी भाई मुझे, मेरा किरदार और काफी लेयर्ड लगी और एक मौका समझ में आया, बिकॉज रणदीप नवदीप सिंह इज ऑल्सो देयर, मैं चाहता था उनके साथ काम करना क्योंकि 30 साल का पूरा ऑन स्क्रीन किरदार है और मैंने पॉलिटिशियन वगैरह कभी किया नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम वाला गैंगस्टर कभी किया नहीं है। तो 4 महीने प्रेप किया? हाँ, 4 महीने, क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आई कि 20s में फिजिकलिटी अलग होती है, जब आप लेट 30s में पहुँचते हो तो ज़्यादातर लोगों का बॉडी वेट बढ़ता है। ठीक बात। तो मुझे लगा यार ये तो, मैंने बोला कि आप लेट 30s करोगे तो क्या आप मेरे को वक्त दोगे, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है मेरे को वेट गेन करना पड़ेगा। तो फिजिकलिटी जो है कैरेक्टर की, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं? फिजिकलिटी एक बात थी पहले, हमेशा मैं ये देखता हूँ कि किरदार कैसे सोचता है। हाँ। किरदार जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर का किरदार है तो वो बहुत सीधा लड़का था, जो अगली का किरदार है वो बहुत खुराफाती दिमाग है। बॉम्बे टॉकीज का जो किरदार है उसको तो कुछ पता ही नहीं है, बहुत ही शरीफ है वो। हाँ, तो उसको कुछ पता ही नहीं है, वो तो अभी मूलधारा से भी दूर है वो। ठीक बात है, है ना? ठीक बात। तो पहले मैं दिमाग समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस पूरी जर्नी में मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, इतने लोगों से मिला हूँ, क्योंकि मेरी एक दुनिया खेल में भी थी, मेरी एक दुनिया मेडिकल कॉलेज में थी, और मैं बाहर निकल के लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो तमाम चीज़ें फीड हैं। जब भी किरदार शुरू करता हूँ तो पहले ये होता है यार आदमी ऐसा सोचता क्यों है। OTT देखते हो? हाँ, नहीं देखते? लैपटॉप पे देखता हूँ। TV पे जो कुछ भी चल रहा था मैं रिलेट नहीं कर पाता था। नहीं पसंद आ रहा आपको न्यूज़? आपके घर में कोई कूड़ा फेंकेगा तो आप क्या करोगे? मारेंगे उसको यार। मारोगे ना? आप कूड़ा निकाल के फेंकोगे ना? सही बात। या घर में रखोगे? नहीं, घर में क्यों रखना है? कूड़ा जैसी चीज और घर जैसी चीज ये मुर्दा है, लेकिन उसके लिए आप इतने संजीदा हो, इतने सजग हो, जो दिमाग में कूड़ा जा रहा है इसको कौन रोकेगा? फेंका जा रहा है, आप लिए जा रहे हो, फेंका जा रहा है, आप लिए जा रहे हो, असर तो पड़ता है ना। तो मुझे लगा यहाँ से बहुत आ रहा है, वो जो मजबूरी में बेची थी खरीदी नहीं। थैंक यू, आपने इतनी ओपनली बात की उसके लिए थैंक यू सो मच। ये मास्टर कैमरा है, यहाँ पे बता दीजिए एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बोल दीजिए जो लोग देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि इतनी लंबी बत कही नहीं, पर ये एकदम अलग टाइप का इंटरव्यू है, ऐसा इंटरव्यू मेरी ऑडियंस ने नहीं देखा। इतनी लंबी बत कही मैंने कहीं किसी इंटरव्यू में करी नहीं दोस्तों के साथ भी जब बैठक होती है तो इतनी बातें हम लोग नहीं करते हैं, और मैं सच बोल रहा हूँ मजा आया। बाकी बातचीत के फ्लो में कोई अगर ऐसी चीज निकली हो तो माफ करना दोस्तों उसको हम रखेंगे, उसको एडिट नहीं करेंगे वो ठीक है, वो आप यो कॉल तो। और ये भी बोल दो कि रंगबाज देखें Zee5 पे, जिसके लिए आए वो तो बोलो। हाँ, तो ये इंटरव्यू मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि एक्सपीरियंस ही कमाल था अपने आप में, गजबी आदमी है ये। अनफिल्टर्ड बाय संदेश, इसे आप सब्सक्राइब करें, देखें, तो ऐसे इंटरव्यूज और आपको देखने को मिलेंगे जहां चीजें खुलती हैं, किताब खुलती है। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच यार, थैंक्स अ लॉट। क्या हैंडशेक है भाई, एकदम बॉक्सर।